कि हम अमलेश्वर ग्राम सेठ जोशी गौ पत्रिका अनुसंधान संस्थान की कार्यशाला में खड़े हैं और अणु खाद बनाने का हम प्रशिक्षण और प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इस हेतु हमारे देसी गाय का गोबरों को हमने कंडा बना के या बिना कंडा बनाए जलाना है। जलाने के बाद उसकी राख बनानी है। राख को ताज जल में छानना, छानने के बाद आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से ऐसी बारीक राख हो जाती है। जलने के बाद हाथ में दिखाओ, गाय के गोबर की राख और घूरे के कंडे की राख को जली हुई है। इस को तार जाली से छानने के पश्चात हम इसे इकट्ठा करते हैं और इसमें हम मिलाते हैं जो हमने अभी कामधेनु कीट नियंत्रक दवा बनाई थी। अब बनाने के बाद हमने छाना था, छानने के बाद जो पानी के समान जो स्प्रे में ना फंसे ऐसी दवाई हमने अभी जो स्प्रे तैयार की थी, तो उसके अलावा उस ड्रम को गाढ़ी गाढ़ी दवाई जो डामर के समान होती है जो छंदने से स्प्रे में काम नहीं आती, ऐसी दवाई को हमने क्या किया कि इस राख में मिला दिया हमने। ये गाढ़ी दवाई है जो कामधेनु कीट नियंत्रक दवाई बनाते समय छानने से ड्रम से निकली थी, जो स्प्रे में काम आने योग्य नहीं है और छानने से ये छनती नहीं है, ऐसी गाढ़ी दवाई को हमने, ये जो हमने राख तैयार की थी गोबर देसी गाय के गोबर के कंडे से, उसमें हमने इस गाढ़ी वाली दवा को मिला दिया। इसमें लगभग जैसे 100 किलो अगर राख है तो लगभग 50 लीटर से ज़्यादा गाढ़ी वाली दवाई मिलाई जाती है, जिससे इसमें कोई पाउडर जो ये पाउडर तैयार होता है इसमें ना बदबू आती है और ना ही हाथ में चिपकता है। और ये हम जब इसको इस्तेमाल करते हैं खेत की जड़ों में ज़मीन में, तो ये हमारे पौधों के लिए खाद का भी काम करती है और जड़ों में लगने वाले सारे रोगों को रोकने में भी ये सक्षम होती है। इसलिए भोजन और दवा दोनों ये हमारे जमीन और पौधे की जड़ों के लिए उपलब्ध कराती है। इसे बनाने हेतु सबसे पहले अनिवार्य है कि हमें देसी गाय के गोबर के कंडे की राख की आवश्यकता होती है। इस हेतु इसे बनाने हेतु किसान अपनी देसी गाय जो गोबर गौमूत्र देते हैं लेकिन दूध देने में या बच्चा देने में या बैल बनने में सक्षम नहीं होते हैं तो उनको पालने से इनकार नहीं करता है, क्योंकि इसमें आवश्यक गोबर उन्हें उस गोबर से मिल जाता है जिसकी बाज़ार कीमत काफ़ी कम होती है और ये आसानी से सस्ते रेट में किसानों को उपलब्ध हो सकती है। इस तरह से हमारे देश में जो अनुपयोगी गौवंश है, जिसे हम कहते हैं कि दूध नहीं दे रहा है, बच्चा नहीं दे रहा, ये खेती लायक नहीं है, ऐसे गायों का और बैलों का और बछड़ों का ये जो गोबर गौमूत्र के गोबर से जो राख बनाई जाती है, ये अणु खाद बनाने हेतु सर्वोत्तम है और अणु खाद बनाने से हमारे गौवंश की एक रक्षा होने का एक पक्का रास्ता बन जाता है। किसान इसे अपनाएंगे तो उसे यूरिया डीपी पोटाश की आवश्यकता नहीं होगी और जड़ों में रोग नहीं आएंगे और इससे बचने वाले जो पैसे हैं वो किसान अपने संवृद्धि में खर्च करेंगे और अपने गौवंश के पालन में खर्च करेंगे और इस तरह से हमारा गौवंश जो है किसानों के द्वारा पाला जाएगा। इसके लिए अतिरिक्त किसी योजना की या शिक्षक सब्सिडी की आवश्यकता नहीं होगी। ये अणु खाद का प्रयोग करें, एक एकड़ में 100 किलो प्रति माह एक फसल में 2 या 3 बार डालना होता है, जिससे कि पूरी फसल मिलती है और ये फसल जैविक तरीके से उगाई जाती है, तो इससे बाज़ार की कीमत किसानों को ज़्यादा मिलती है और इसका पौष्टिकता ज़्यादा होती है और इसे लेने हेतु शहर की जनता किसानों के पास जाती है, अधिक दाम में खरीदती है। हमारा किसान गौ आधारित एक स्वावलंबी किसान होता है, इस हेतु उसे किसी भी प्रकार की सरकार की नेता की या किसी योजनाओं की आवश्यकता नहीं होती है। आवश्यकता होती है सिर्फ कि वो अपने घर में गौवंश को पालन करे, उसकी देखरेख करे, ज़्यादा भोजन दे, ज़्यादा नमक दे, ज़्यादा कोढ़ा दे, ज़्यादा पानी दे, ताकि उसे ज़्यादा गोबर मिले, ज़्यादा खाद मिले, ज़्यादा गौमूत्र मिले और वह इस ज़्यादा सामग्री से अपने खेत के लिए आवश्यक दवा खाद बनाए और अपने पैसे जो जहर और रसायन वाले को देने जा रहा था वो पैसे अपने घर में बचाएं और बचा करके उस पैसे से अपने परिवार का और गौवंश का पालन करें। मैं SP साहू, अध्यक्ष सेठ देसी गौपत्रिका अनुसंधान संस्थान रायपुर, आज शिक्षण कार्यक्रम में जानकारी दी गई।